तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, दोस्तों मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे बहुत से शिष्य हैं, शिष्यों को इसके बारे में जानकारी हो, बहुत से ऐसे गुरु हैं उनको भी पता होनी चाहिए ताकि आप ध्यान रखें इस चीज का। हमारे जीवन में कई बार अकारण परेशानियां आ जाती हैं, कई बार हमारा धन हानि हो जाती है, लोगों को इसके कारण पता नहीं चलते कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं इसके मूल कारण जो है वो मैं आपको बताता हूं। हम जो भी धन कमाते हैं चाहे हम ईमानदारी से कमाएंगे उसे, चाहे हम बेईमानी से कमाएंगे उसे, चाहे हम मेहनत करके कमाएं, चाहे हम मजदूरी करके कमाएं, चाहे हम इस दुनिया का कुछ भी करें, चोरी करें, डाका डालें, इस दुनिया का कुछ भी है, अगर हमारी इनकम बनती है तो मैं आपको बताता हूं कि उस इनकम के ऊपर हमारा किस किस का अधिकार होता है। तो मान लीजिए कि यदि मैं 100 रुपया आज कमा रहा हूं तो उस 100 रुपये में 10% जो हिस्सा रहता है वह मेरे गुरु का रहता है। मैं उन्हें दूं ना दूं, मैंने कोई माना है ना माना है, अलग बात है, लेकिन मेरी इनकम में मेरी जो आय है, मेरा जो स्रोत है, वह हिस्सा 10% मेरे गुरु का रहता है। 10% हिस्सा मेरी माँ का रहता है, 10% हिस्सा मेरे पिता का रहता है, 10% हिस्सा हमारे पास दान का आता है। यानी कि हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपये मेरे गुरु के हो गए, 10 रुपये मेरी माँ के हो गए, 10 रुपये मेरे पिता के हो गए, 10 रुपये मेरे दान के हो गए। अब बचते हैं हमारे पास केवल 60 रुपये। 60 रुपये में हमारी जो धर्म पत्नी होती है, अगर हमारी धर्म पत्नी है मौजूद, तो धर्म पत्नी का आधा हिस्सा होता है, यानी कि 30 रुपये हमारी धर्म पत्नी के हुए। तो आपकी जो शुद्ध जो मुनाफा आपका जो बनता है वो बनता है 30 रुपये का, यानी कि आपकी जो शुद्ध मुनाफा बनता है वो बना 100 रुपये में 30%, 30 रुपये। अब यदि आप उस 30% के हिस्से को केवल आप यूज करते हो तो आपके जीवन में किसी भी तरह की एन कैन प्रकार कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जो हमारा शुद्ध धन बनता है हमारी मेहनत करके, हमारी मजदूरी करके, या कोई भी कर्म हम करते हैं उसकी जो हमें शुद्ध मुनाफा जो कमाई बनती है वो बनता है 30%। ये जो हमें दिक्कतें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि हम गुरु का हक मार के बैठ जाते हैं, हम अपने माता पिता का हक मार के बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो माता पिता के साथ रहते नहीं है, साथ नहीं रखते हैं, या उन्हें और अकारण प्रत्यक्ष ही दुख उन्हें दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष तो कौन कहेगा, लेकिन ये जो दुख है जो आपके जीवन से आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। अब आता है कि दान, दान का भी 10% से बचता है, हिस्सा रहता है, 40% हिस्सा जाता है आपका पूरा। अब आपका जो 30% जो धन बचता है, उस 30% धन में से आप दान कीजिए किसी को, उसमें से आपने अगर 1 रुपया भी किसी को दिया, उसमें से आपने 2 रुपया भी किसी को दिया, तो उसका हजारों लाखों गुना का फल मिलेगा, क्योंकि वो आप दे रहे हो। लेकिन अगर आपके पास पूरा 100 का नोट है, आप अपनी माँ को नहीं दे रहे हो, आप अपने गुरु को नहीं दे रहे हो, आप दान का खर्च नहीं कर रहे हो, आप अपने पिता को नहीं दे रहे हो, आप धर्मपत्नी को भी पूरा खर्चा नहीं दे रहे हो, तो आपने अगर 10% हिस्सा पूरा लुटाया, 20% का हिस्सा लुटाया, तो भी आपका कोई महत्व तो नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, उस दान का कोई आपको फल इतना ज्यादा प्राप्त नहीं होता जितना आपको मिलता या दान का मिलना चाहिए। दान का फल मिलता है वो हिस्सा जो मैं चुका हूं, मेरे अपने हिस्से का, मेरे 30% के हिस्से का यदि मैं दे रहा हूं तो मेरा कुछ बनता है। तो कम से कम आपके जो भी आपके गुरु हैं, खासतौर से ऐसे लोग जिन्होंने तंत्र में गुरु बनाए हैं, मंत्र में गुरु बनाए हैं, उन सभी लोगों को अपनी आय का एक इनकम का जो सोर्स है उसका कम से कम 10% हो जाए तो अपने गुरु को अवश्य निकालना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने किसी कोई भी काम हो, हम कोई भी काम है, किसी भी तरह का काम है, हमें गुरु बनाते हैं, उस गुरु को धारण करते हैं, तो हक तो यही बनता है कि आप उस गुरु को उसके हिस्से का धन पहुंचाएं, यदि आप उनकी विद्या का प्रयोग करके धन कमा रहे हैं तो ये आपका हक बनता है।
इस दान को आप गरीबों में भी बांट सकते हैं, जरूरी नहीं है अगर आपके मान लो गुरु नहीं है कोई, तो आप गुरु के हिस्से को भी गरीबों में दे सकते हैं। अनाथ लोगों की आप मदद कर सकते हैं, ऐसे लोग जो बेघर हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं, कहीं पर भी आप हैं, लेकिन आप धन जो है वो आपको दान अवश्य करना चाहिए। धन की जो शुद्धि है वो केवल 30% आपका रहता है, बाकी 70% आप पराये का धन लेकर के बैठे रहते हैं। 30% आपकी पत्नी का होता है, 10% आपके गुरु का होता है, 10% आपकी माँ का होता है, 10% आपके पिता का होता है। आप अपनी माँ को अपने साथ में रखिए और पूर्ण रूप से खुश रखिए, पिता को अपने साथ रखिए, माता पिताओं का साथ रहेगा, आनंद रहेगा, आशीर्वाद रहेगा उनका, तो उनका जीवन सफल रहेगा, उनके मुख से जो दुआ निकलेगी आशीर्वाद होगा वो आपके जीवन को उत्तरोत्तर तरक्की देगा और आप जीवन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से तरक्की कर पाओगे। इस चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है जो मैंने आज आपको बताया है कि कहीं से किसी गुरु से यदि हमने कोई विद्या पाई है, जरूरी नहीं है कि वह तंत्र हो, कोई भी विद्या हो, अगर आपने किसी गुरु को धारण किया है और उस गुरु की विद्या का आप प्रयोग कर रहे हो अपने जीवन में, तो मैं आप सभी को यही कहता हूं कि आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी है आप दान करते रहिए। अपने माता पिता को आप दान दे सकते हैं, अगर आपके प्रत्यक्ष में गुरु नहीं है तो आप किसी और अन्य भाई को आप गुरु के शिष्य का दान कर सकते हैं, अन्य लोगों की आप मदद कर सकते हैं, लेकिन धन को शुद्ध रखिए। यदि आप 30% या पत्नी समेत 60% धन का यदि आप उपयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपके सिर में दर्द भी नहीं होगा। ये जो दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, हारी बीमारी या कभी कभी जो धन हानि होती है, उसका जो मूल कारण होता है वो यही होता है कि हम लोग शुद्ध धन नहीं खाते, हम दूसरे का हक मार के बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी से यही कहता हूं कि जितना हो सके आप अपने हिस्से का धन माँ पिता गुरु के लिए निकालिए और उसका कुछ हिस्सा समाज में भी दान कीजिए। नमस्कार दोस्तों।